Hey guys, welcome back to the channel. It's Thakur Aman Singh back in action with a new video. So guys, hope so you all are doing great. का वीडियो मैं बना रहा हूँ यानी बता रहा हूँ आपको. आज मैं किसी एक इम्पोर्टेंट शख्स के पास जा रहा हूँ मैं, जो मेरे लाइफ में बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि गुरु जी. तो अभी मैं हूँ नवी मुंबई में, ऑलमोस्ट एरोली के पास पहुँच गया हूँ मैं. तो मैं जा रहा हूँ पवई में उनसे मिलने, और आपको बताता हूँ वो है कौन. 12:30 बजे मुझे वहाँ पहुँचना है यार. ये भी टाइम ख़राब है यहाँ, इस पर ध्यान मत दो. 12:08 हो चुके हैं. वही 20 मिनट में मुझे पहुँचना है यहाँ से. ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर का ड्राइव है, 20 मिनट्स में पहुँचना है. बस हाईवे एक बार टच हो जाऊँ उसके बाद तो फटाफट निकल ही जाऊँगा. सो आप लोगों का कैसा चल रहा है कोविड-19 लॉकडाउन में, कैसी चल रही है आप लोगों की लाइफ? बहुत सारे लोग मज़े में है घर बैठे बैठे. लड़कियों का सबसे ज़्यादा मज़ा है घर बैठे बैठे, मस्त अपना खाना पीना बनाओ, वही खाना खाओ और सो जाओ. बस लड़कों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि जॉब वगैरह मिल नहीं रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी है नहीं. लोग घर पे बैठे हुए हैं जॉबलेस, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है उस वजह से. और आप लोग एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि अगर आप लोग लोन वगैरह भर रहे थे और आपका लोन रुका हुआ है, तो अगर आपके पास पैसे हैं तो वो लोन को फटाक से शुरू कर दो, क्योंकि उस पर बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मारेगी. आपका जो भी है, आपका डिले चार्जेस, ये सब कुछ आप पे ऐड होगा. तो अगर आपका कुछ भी चीज़ पेंडिंग रहेगा तो उसे भर दीजिए फटाक से. चलो 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 चलो. और अभी ब्लॉग वगैरह मैं बहुत दिन से डाल नहीं रहा था क्योंकि मैंने एक दो बार ट्राई किया वीडियो बनाने का इसी तरीके से हेलमेट पे कैमरा माउंट करके, बट मेरे पास अभी अडाप्टर और माइक नहीं था तो वॉइस क्वालिटी काफ़ी ख़राब थी, इसलिए मैं वीडियो डाल नहीं रहा था. तो अभी मैंने अडाप्टर और माइक दोनों ले लिया है और मुझे गोप्रो का पूरा सेट ही ले लिया एसेसरीज का. तो व्लॉग अभी बनेगा. वो देखो भाई, हरकुलिस हरकुलिस सब इधर ही है. और अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे थोड़ी तो शर्म करो यार, सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार. आते हो वीडियो देखते हो चले जाते हो, ठीक है. अगर यहाँ तक देख लिया ना भाई तो सब्सक्राइब कर दीजिए. और अगर वीडियो अच्छा लगता रहेगा ना यार, अगर अच्छा लगता रहेगा तो ही लाइक बटन दबाइएगा. चूँकि बस मेरा नंबर प्लेट आगे टूटा हुआ है, वो भी मैं कराऊँगा. कराने का एक रीज़न ये है कि, रीज़न क्या बोलूँ, बस इतनी सी बात है कि अगर आप टोल वगैरह पे जा रहे हो या फिर सिग्नल के यहाँ पे खड़े हो, वाइट लाइन क्रॉस हो गया कुछ हुआ, तो आपको फाइन लगेगा नहीं क्योंकि आगे नंबर प्लेट नहीं है. और ये जो कैमरा माउंट किया हूँ इस वजह से नॉर्मली पुलिस वाले भी रोकते नहीं है. और मैंने तो खाली यहाँ पे क्या बोलते हैं अरुली टोल नाके पे देखा हूँ कि पुलिस वाले लोग खड़े रहते हैं कभी कभार कभी कभार. और बाकी एक बार से मैंने वाशी में देखा था, बाकी मुझे अभी तक कहीं पे भी कोई नाकाबंदी मिली नहीं है, किसी ने भी रोका नहीं है. लाइक सरप्राइजिंगली है, बट लॉकडाउन के चक्कर में कोई किसी को पूट नहीं रहा. और मेरे ख्याल से ड्रिंक एंड ड्राइव वालों को भी लोग पकड़ते नहीं रहेंगे क्योंकि यार कोविड का टाइम है, तो इसमें कोई किसी के मुंह के पास तो जाएगा नहीं, तो ड्रिंक एंड ड्राइव वालों के तो मज़े हो गए. बट एनी हाउ सेफ नहीं है अपनी ज़िंदगी अपने आप से ख़राब करना. तो चलते हैं. अभी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े खड्डे आने वाले हैं. गाड़ी स्लो कर दो, बस यही लाइन है, ये लाइन के आगे गाड़ी स्लो कर देना है यार. रात में ना ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है यहाँ पे. आप अगर ट्रैवल कर रहे हो ना तो बहुत केयरफुल आओ, गाड़ी भगाओ मत क्योंकि पानी भर जाता है. जो आपको मिट्टी दिख रही है नीचे, ये सब बहुत ज़्यादा स्कीड होती है और जितने भी खड्डे हैं वो पानी से पूरे भर जाते हैं. आपको वो खड्डे दिखेंगे भी नहीं कि खड्डे कितने गहरे हैं. यहाँ पे कभी भी आओगे ये साइड में, मतलब अगर आप एरोली टोलना क्रॉस करिए तो आप बिंदा जा सकते हो, लेकिन आप एरोली टोलना के अगर वो साइड हो, जैसे यहाँ से ईस्टर्न एक्सप्रेस से लेके मैं तो घाट के ऊपर तक देखा हूँ, घाट के ऊपर तक अगर आप जा रहे हो या आ रहे हो तो थोड़ा संभल के जाइए. जाने का भी इतना वो नहीं सीन है, लेकिन जब आप आने का टाइम होता है कि घाट के ऊपर से आप एरोली आते हो, वो टाइम पर बहुत संभल के आओ क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है. तो और अगर आप एक्टिवा पे हो तो यार एक रिक्वेस्ट है, गाड़ी भगाओ मत,
मैं देखा कल रात को भी आ रहा था, मैंने देखा कि यार लोग डबल टिबल बैठ के एक्टिवा 80 70 80 90 ऐसा भगा रहे यार, वो बहुत रिस्की है। तो कुछ भगा होगा मत गाड़ी ज़्यादा। और ऐसे आप देख सकते हो कि आगे नंबर प्लेट नहीं है लेकिन फिर भी कोई रोक नहीं रहा है। वाह बच गए 1000 रुपये। यार नंबर प्लेट लगा लूँगा यार, ये सब मुझसे नहीं होता यार, ये सब ये कि नंबर प्लेट मत रखो फाइन से बचो ऐसा कुछ नहीं, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन चलने का। अभी टाइम में बात ऐसी हो रही है कि ना यार मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कि जाके मैं नंबर प्लेट लगा दूँ, मुझे स्टिकरिंग भी करानी है जैसे कि मेरा नया इंस्टाग्राम आईडी है। और हाँ अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो यार, बटन दबाओ फटाफट। ठीक है तो इंस्टाग्राम का मेरा स्टिकर भी लगाना है, यूट्यूब का भी लगाना है, यूट्यूब का मेरे चैनल का नाम लगाना है आगे, तो वो सब करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा और बहुत सारी दुकानें खुली नहीं है तो थोड़ा सा हो नहीं पा रहा है। जब जाऊंगा मैं रेडियम का काम कराने के लिए तो मैं नंबर प्लेट भी लगा दूंगा। अभी आज देखना है मेरे बाइक का एवरेज कितना देता है, बिकॉज़ लास्ट टाइम मेरे गाड़ी में मैंने जब काम कराया था, लास्ट टाइम मतलब यार ये 10-15 दिन में ही मैंने जो काम कराया है, दोनों फोक का ऑयल सील चला गया था दोनों साइड का, तो वो चेंज कराया, मेरा चेन पॉकेट नया डलाया। उसके बाद में मेरे टायर का आगे वॉल चला गया था वो चेंज कराया, और क्या हो गया था मेरा क्लच, ओहो डाल भाई क्लच वायर मेरा ख़राब हो गया था, क्लच वायर मैंने ठीक कराया, और क्या हो गया था और क्या हो गया था और बहुत सारी चीज़ें थी यार गाड़ी में मेरे कुछ प्रॉब्लम, बैटरी भी चेंज कराया मैंने गाड़ी में, मेरे कुछ कभी प्रॉब्लम नहीं आता है, गाड़ी कितना भी स्पीड में भगाओ लेकिन मैं गाड़ी मेंटेन रखता हूँ। बट 9 महीने से जब मैं बाहर था तो मेरी गाड़ी ऐसी खड़े खड़े ही ख़राब हो गई, बैटरी डाउन हो गया, बैटरी चले गई, ऑलमोस्ट तो 2 साल हो ही गया था, ठीक है बैटरी का तो इशू था। और लास्ट टाइम मेरे को लगा था कि चेन पॉकेट मेरा जाने वाला है, तो लास्ट टाइम मेरे जाने का टाइम आ गया था, तो मैंने बोला छोड़ो गाड़ी वैसे भी खड़ी रहेगी तो मैंने बनाया नहीं। और अभी सब कुछ मैंने चेंज कर दिया है, गाड़ी स्मूथ काफ़ी हो गई है, तो मुझे जस्ट इसका देखना है कि इसका एवरेज मुझे कितना मिलता है। ऐसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर बड़ी गाड़ी चला रहे हो तो एवरेज वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं, बस एक मेरे अंदाजे के लिए देख रहा हूँ, क्योंकि मैं लास्ट ईयर जब मैं था तो 21 to 24 में को देता था ये हाईवे सिटी कहीं भी चला लो। और जैसे कि मैं हाईवे पे जाता हूँ कभी बहुत कम स्पीड में, कहीं बाहर जाऊँगा मैं 100-200 किलोमीटर दूर, तो ये मुझे एक बार 39 का भी एवरेज दिया है, तो सरप्राइजिंगली है लेकिन बहुत अच्छा था वो दिन, तो यार मज़ा ही आ गया था। मैं जब पेट्रोल भराया और फुल टंकी किया, मैं बोला यार 39 का एवरेज मिला यार, तो अच्छी बात है। बाकी बजाज की क्वालिटी भी अच्छी है, क्वालिटी मतलब बस मैं बोलना चाहूँगी पावर नहीं दिया है, बाकी सब कुछ ठीक है। ओ भाई पीछे का मिरर नहीं देखते हैं लोग, कितना हो गया यार मुझे लेट नहीं होना है, 20 हो गया, चलो टाइम पे ही वो पहुँच जाऊँगा, 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा मैं। सो आप लोग क्या करते हो घर पे यार मुझे ये बताओ यार, मैं तो घर पे बोलते ना यार बोर हो जाता, यही मैं कपड़े पहन के बाहर निकलने का सोचता हूँ वैसे ही ना बारिश चालू हो जाती है, और ये दिन में एक बार नहीं दिन में कम से कम 3 से 4 बार हो जाती है, और बारिश बंद कब होती है रात के 9 बजे, और रात के 9 बजे मैं बाहर निकल के क्या करूं, तो इसलिए मैं घर पे ही रहता हूं मैं। आप लोगों का टाइम पास क्या होता है यार बताओ मुझे भी यार, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या करते हो आप लोग दिन भर, लाइक आप लोग को तो अभी हैबिट हो गया रहेगा, बहुत एक्सपीरियंस हो मुझसे ज़्यादा,
क्योंकि मुझे तो अभी एक ही महीना हुआ है आके इंडिया, तो मेरे लिए तो नया नया, आप लोग को तो ऑलमोस्ट 6 महीना हो चुका है, तो आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो टाइम पास करने में। तो बताओ क्या किया जाए। पहले एक टाइम था जो पवई में आते थे जब मैं छोटा था, तो यहाँ पे ना ज़्यादा गाड़ी, ना पोल्यूशन, ना कुछ। लोग भी आते तो सिर्फ पवई वाले लोग ही बाहर निकलते थे, तो वो टाइम बहुत अच्छा था यार। वो टाइम पे यानी मज़ा आता था यार कॉलेज टाइम पे। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसे पवई में रात को भी आओ चाहे दिन में आओ कभी भी आओ, तो आपको यहाँ पे पवई के लोग नहीं दिखेंगे। लाइक जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे सब बाहर से आते हैं, और क्राउड भी ज़्यादा हो गया है, गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई है, तो ट्रैफिक वगैरह बढ़ने लगा है। वरना बहुत लाइक शांत और बहुत सही जगह था पवई, आपको दोस्तों के साथ आकर बैठने के लिए, घूमने के लिए काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे मेरे साथ उल्टा हो जाता है, जब भी मैं सोचता हूँ टाइम पे पहुँचने के लिए मैं लेट ही हो जाता हूँ, मैं कभी टाइम पे कहीं पहुँच नहीं पाता। तो लेकिन आज मैं पहुँच गया हूँ, 12:30 बजे बोला था, 12:30 बजे बरोबर मैं टच हो जाऊँगा। ये देखे देखे देख ये देख, ये लोग हर जिन ऐसा ब्रेक मारते हैं, फिर पीछे वाला क्या करेगा, पीछे वाला ठोक देगा तो उतर के भाई बोलेंगे अरे यार मैं नुकसान कर दिया। और सेलर बॉय बाल ठीक है, हेयर कट चाहिए, हेयर कट चाहिए, कमेंट में बोला था देख करा लिया मैंने। वो गुरुजी से मिलने आया था, आपको बताता मेरे गुरुजी के बारे में। गुरुजी मतलब डेंटिस्ट है मेरे, उनके पास मेरा अपॉइंटमेंट 3-4 टाइम से हो रहा है अभी, यानी शिफ्ट पे आने के बाद से। लाइक हम लोग को डॉक्टर लोग को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं और बात करते हैं, लेकिन कोई डेंटिस्ट से बहुत ज़्यादा बात नहीं करता। तो बिलीव करो मुझे यार, जब आपको दांत का दर्द होगा ना तो मालूम पड़ेगा कि दर्द एक्चुअली में होता क्या है। बहुत इरिटेटिंग है, बहुत अनॉइंग है। जाऊँगा मैं डेंटिस्ट के पास, ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ मैं पवई प्लाजा, और सामने ये मेरे डेंटिस्ट का ये नहीं। सो यही था, और ये बहुत अच्छे है, बहुत अनिश कस्टमर थे, 2 जन को मैं जानता हूँ डेंटिस्ट में। एक ये हो गए और एक विक्रोली में है, मेरे फैमिली मेम्बर्स से हैं हम लोग, तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपका लाइक मुँह में इतना सारा मशीन डाल रहे हैं, या फिर आपको पेन भी ज़रा से भी सेंसिटिविटी आपको नहीं होगी। देखो जैसे ही आप पहुँचा वैसी बारिश चालू हो गई, बहुत साइड में पहुँच गया हूँ। अब 1 घंटे का अपॉइंटमेंट है, अंदर 1 घंटा होगा मेरा मरम्मत जो भी है। पूरा हो गया अभी, आज क्या किया गया आज यार, सुन किया हुआ बोलने भी नहीं हो रहा सही। तो आज तो उन्होंने एक मेरे कैब बिठा रहे हैं, तो उसके लिए एक टीथ को उन्होंने आजू बाजू से ग्राइंड किया है, वो सेंसिटिविटी लगी थोड़ी बहुत देखो। तो वही यहाँ पे उन्होंने सुन का इंजेक्शन किया था, तो अभी बोलने भी नहीं हो रहा है, बट ठीक है। अभी वो कैब भी रिकमेंड किया है उन्होंने, लगाएंगे देखते हैं क्या हो रहा है यार। ये सब मैं बताऊँ ना, रात की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही बेकार होती है, लाइफ में कभी ये सब प्रॉब्लम से गुजरो मत यार। और नया हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है कमेंट में बताओ यार। सो अभी बोलने भी नहीं हो रहा है, वो इंजेक्शन दिया है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेट केयर और एंजॉय।